चाहते थे कि सिंगल ले, लेकिन राम ने मेहनत रोशन ने शुरुआत की है खानीवली टीम के लिए। खानीवली टीम को हम देखें तो उनकी जो कुछ गेंदबाज है काफ़ी युवा है और शिखर काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है उनके पास। इस बार हुक किया है फाइन लेग की दिशा में, फील्डर है वहाँ पर। ओ डायरेक्टेड डायरेक्टेड शेखर का और विकेट का पतन। राम ठाकरे को लौटना होगा पेविलियन में। हालांकि देखिए कितनी चतुराई है शेखर के पास, उन्होंने देखा कि युवा खिलाड़ी है बाउंड्री पर, शायद उनका जो थ्रो है सटीक ना हो और खुद पहले आगे आगे दे रोक उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कलेक्ट किया और सीधा निशाना स्टंप्स पर। राम ठाकरे नहीं पहुंच पाए अपनी क्रीज में, ये बिग ब्लो कोशिंबी टीम के लिए। एक रन बनाकर राम ठाकरे आउट, टीम का स्कोर भी है एक एक विकेट के नुकसान पर। नए बैट्समैन सूरज सामना करते हुए रोशन का आप वाली बढ़िया ड्राइव, बहुत ही सुंदर शॉट गैप में और एक्स्ट्रा कवर की दिशा से चार रन, लाजवाब स्ट्रोक। इस तरह के शॉट्स ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं और बॉल क्रिकेट में या फिर टेनिस बॉल क्रिकेट में भी जब आप देखते हैं तो बहुत कम इस तरह के शॉट्स देखने को मिलते हैं। क्लास दर्शाता है बैट्समैन का वाइड हाफ वॉली, हाथ खोलने के लिए जगह और इसका भरपूर फायदा होता है। चौके से खाता खोलते हुए सूरज, अच्छा क्रिकेट। पिछली गेंद कमजोर थी तो प्रहार किया, लेकिन ये गेंद पड़ने के बाद अंदर आई, लेंथ अच्छी थी और दिशा भी बहुत अच्छी, मजबूर किया सम्मान देने के लिए वहां पर बैट्समैन को। बार उछाल दिया है, ज्यादा ताकत नहीं झोंक पाए अपने स्ट्रोक में सूरज। दो रन जरूर यहां पर तो ज्यादा भी मिल सकते हैं। शेखर फिर से आगे निकले थे थ्रो को प्यादा करने के लिए, लेकिन उनके ऊपर से तीन रन इस गेंद पर। तो अभी भी पहला ओवर चल रहा है, कोशिंबी टीम का स्कोर इस समय 8 एक विकेट के नुकसान पर। टाइगर के पास अब स्ट्राइक, पहले मैच में तो शानदार बल्लेबाजी की भोपाली टीम के विरुद्ध, 5 गेंदों में 15 रन बनाए और ये जानबूझकर किनारा दिया है, लेकिन गेंद ज्यादा तेज जाएगी नहीं क्योंकि घास काफी है। और डायरेक्ट हिट की कोशिश वहां पर, और डायरेक्ट हिट लगता तो शायद नजदीकी मामला हो सकता था। ओवर की समाप्ति सिंगल के साथ, कोशिंबी टीम का स्कोर 9 रन एक विकेट के नुकसान पर। नेवर की पहली गेंद शॉर्ट बॉल, शेखर दर्वी गेंद के साथ। एक तरफ राम ठाकरे तो दूसरी तरफ शेखर, लेकिन टाइगर को भी नहीं भूल सकते हम, बहुत ही बढ़िया शॉट, थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन। फाइनल एक मौजूद बाउंड्री पर और दो महत्वपूर्ण रन। टाइगर एक ऐसे बल्लेबाज है जो टाइमिंग पर ज्यादा निर्भर करते हैं। कई बार देखा गया है कि ज्यादा ताकत से नहीं खेलते हैं, लेकिन टाइमिंग काफी अच्छी रहती है उनकी। इस बार मीडियम पेस शेखर, जो ये खासियत है ऑफ ब्रेक है उनके पास, लेग ब्रेक है, मीडियम पेस डालते हैं तो विविधता है शेखर की बॉलिंग में। फिर से फ्रंट ऑफ द हैंड डिलीवरी, फिर से बिट किया टाइगर को। टाइगर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, स्कोर रुका हुआ है 11 रन,
एक विकेट के नुकसान पर। इस बार बैक ऑफ द हैंड थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली गेंद और टाइगर जगह से ही बल्ला घुमा रहे हैं। निराशाजनक प्रदर्शन कहा जा सकता है अभी तक टाइगर का इस मैच में। इसके बाद होने वाला मैच देखना मत भूलिएगा, खालिंग का नाम प्रभास इलेवन दोहले। इस बार संपर्क जरूर हुआ है लेकिन क्या जाएगी बाहर? यस, 6 रन। एक क्षण के लिए शायद बल्लेबाज भी उतने श्योर नहीं थे कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी लेकिन हवा के साथ चली गई इस पैरले के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो अच्छा शॉट ये टाइगर के बैट से, रन संख्या 17, 2 ओवर समाप्त। सत्रह रन एक विकेट के नुकसान पर। सचिन आए हैं आखिरी ओवर के लिए। इस गेंद विकेट कीपर से रुकी नहीं और बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, बाई का इशारा, 4 रनों का तोहफा। बैट्समैन की कोशिश थी कि ऑन साइड में मोड़ दे गेंद को लेकिन उनके पैरों में आ गई थी, बल्ले तक नहीं ले पाए, बीट हो गए थे पूरी तरह से और विकेट कीपर भी वहां पर चकमा खा बैठे। ये 4 रन, जैसे ही विकेट कीपर से गलती हुई शेखर फिर से विकेट कीपिंग के लिए आ रहे हैं। 4 से बढ़ता हुआ स्कोर 21। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन टाइमिंग, 6 रन, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक और काफी प्रभावित किया अपने शॉट से। सूरज ने पहला शॉट भी जो खेला उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा से, वो भी लाजवाब शॉट था और अब ये हेलीकॉप्टर स्ट्रोक मिड विकेट की तरफ कमाल का शॉट। इस बार शॉट गेंद हुक कर दिया है, जैसी गेंद वैसी नसीहत, 4 रन, बहुत ही बढ़िया बैटिंग। कोशिंग में टीम का जब भी जिक्र होता है तो राम ठाकरे की तरफ देखा जाता है बल्लेबाजी में, और अब देखा जाए तो टाइगर जैसे कि पिछले मैच में बैटिंग की उन्होंने और इस मैच में सूरज युवा खिलाड़ी है और जिस टीम के पास युवा खिलाड़ी अच्छे अच्छे आते हैं वो टीम निश्चित रूप से अच्छा कार्य करती है। लेकिन इस बार वाइड, स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन, सचिन महंगे साबित हो रहे हैं, एक छक्का और एक चौका इस ओवर में, उनके 2 चौके लग चुके हैं अभी तक 3 गेंदों में 15 रन। इस बार ऑफिस हिप्स टर्न कर दिया है बैकवर्ड्स फील्डर की तरफ, डीप में फील्डर है लेकिन जब तक थ्रो पहुंचेगा उनका 2 रन। दौड़ते भी बहुत अच्छा है विकेट के बीच में, एक अच्छी पारी यहां पर खेल रहे अपनी टीम के लिए सूरज, एक उपयोगी पारी, एक ऐसी पारी जिससे काफी आत्मविश्वास कोशिंबी के खिलाड़ियों को मिलेगा। इस बार उड़ाया है लेकिन मैदान की शायद अंदर रहेगी, फील्डर है। दिस इज एन ऑफुल मिस एंड बॉल क्रॉसेस द पेन्स फॉर 4। क्या छूटा, जज तो किया था ठीक ठाक लेकिन अकेले में नहीं ले पाए और ये महत्वपूर्ण चौका, बहुत अच्छा स्कोर कोशिंबी टीम के लिए, 38 रन। इस बार क्लिक करना चाहते थे, काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर निकले, बीट हुए और इसके साथ ही पारी की समाप्ति। लेकिन बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन यहां पर सूरज द्वारा, कुल मिलाकर 4 चौके जड़े उन्होंने अपनी पारी में, एक छक्का भी लगाया।
शेखर दलवी और उनके साथ दर्शन क्रीज पर पहुंच चुके हैं। आवश्यक रन रेट 13 रन प्रति ओवर और ये बहुत ही अच्छा टोटल है। सुबह से देखा गया है, चर्चा भी होती रही है कि 35 से आगे जो भी स्कोर बनेगा वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, लेकिन उसके लिए बॉलिंग भी अच्छी करनी जरूरी। स्कोर मजबूत जरूर है लेकिन क्या वो महफूज है, सुरक्षित है, ये तो बॉलिंग और फील्डिंग तय करेगी कोशिंबी टीम की। टाइगर पहली गेंद लेकर शॉर्ट गेंद और ये शेखर का प्रहार, 6 रन, काफी दूर भेज दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। शायद वेट ही कर रहे थे कि पहली गेंद टाइगर की इस तरह से उनको मिलेगी, शॉट मिलेगी, क्या बेहतरीन प्रहार, 6 रनों से पारी का आगाज। ओह व्हाट अ शॉट, इस बार कवर के ऊपर से पंच और 6 रन, लगातार दूसरा सिक्सर, ये है शेखर दलवी। इस तरह से गेंदबाजी होगी तो फिर यही हाल होगा, काफी समय है उनके पास विकेट की चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलने की क्षमता। शॉट ऑफ द डे मैं कहूंगा, इस तरह से पिछला छक्का लगाया, ओ ये टॉप एज लेकिन किस्मत का साथ शेखर को आतिश नहीं रोक पाए। सब्स्टिट्यूट फील्डर है मैदान पर, चार महत्वपूर्ण रन, तो धमाकेदार शुरुआत यहाँ पर खानीवली टीम की। 16 बिना किसी नुकसान के टाइगर एक बार फिर से, इस बार गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई, कोई रन नहीं मिलेगा। टाइगर क्या विकेट यहाँ पर निकाल पाएंगे शेखर का, और यदि ये बड़ा विकेट मिल जाता है तो इसे एक उम्मीद की किरण यहाँ पर दिखाई दे सकती है कोशिंबी टीम के लिए, लेकिन जब तक शेखर रहेंगे मुश्किल है। और बहुत अच्छी गेंद, ये ठाकरे नहीं रोक पाए, एक रन इस बार, स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। वापसी जरूर की है यहाँ पर टाइगर ने, पिछली 3 गेंदे जिन पर तंग किया शेखर को दर्शन बायत के बैट्समैन पहली बार सामना करते हुए। और बॉल, बहुत ही बढ़िया गेंद, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, बल्ला हल्का सा क्रॉस चला गया, क्रॉस बैटिंग शॉट की कोशिश और चूक गए, तो सफलता आखिरकार दिलाई है यहाँ पर अपनी टीम को टाइगर ने, और तारीफ करनी होगी टाइगर की भी, जिस तरह से पहली 2 शॉट गेंदे जिन पर 2 छक्के जड़े शेखर ने, उसके बाद दबाव जरूर टाइगर पर था लेकिन उस दबाव को अच्छी तरह से हैंडल किया है। तो पहला ओवर समाप्त 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर खानीवली, अभी भी 22 और रन चाहिए प्रति ओवर, अब 11 रनों की जरूरत। और कोई भी क्रिकेट फैन ये देखना चाहता है किसी भी खिलाड़ी में कि जब दबाव उस पर होता है तो वो वापसी करे, वापसी करके दिखाई है टाइगर ने। शेखर 16 पर खेलते हुए नेवर के लिए गेंदबाज ऋतिक, राउंड विकेट ये केएनपी और इन साइड है, फाइनल की दिशा में आतिश गोल गेंद, क्या इशारा है, विकेट का पतन यहाँ पर। शेखर दलवी जिस तरह से उन्होंने राम ठाकरे को आउट किया था डायरेक्ट हिट से यहाँ पर, हालांकि डिफिकल्टी लेवल हम देखें तो आतिश के लिए ज्यादा मुश्किल था, शेखर तो स्टंप्स के फिर भी नजदीक थे लेकिन आतिश ने तो बहुत ही दूर से थ्रो किया फाइन लेग की दिशा से सीधा स्टंप्स पर, और ये एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। शेखर 17 रन बनाने के बाद पवेलियन में लौटे, अच्छा स्टार्ट जरूर दिया लेकिन अब 2 विकेट्स जल्दी जल्दी गिर गए हैं, 2 गेंदों पर 2 विकेट्स गिरे हैं।
18 रन दो विकेटों के नुकसान पर, 11 गेंदें शेष और खाने की टीम को अभी भी चाहिए 21 रन। नए बल्लेबाज आए हैं राहुल, रोशन के पास स्ट्राइक आते ही पुल किया और गैप में बढ़िया प्लेसमेंट, बहुत ही अच्छा शॉट 4 रनों के लिए। शॉर्ट गेंद, शॉर्ट गेंदों पर ज्यादा रन अभी तक बने इस पारी में, तो इस विकेट पर इस गेंद के साथ जो कंडीशंस है उस और साथ ही बल्लेबाजों को देखते हुए बॉलिंग करना बहुत जरूरी है, कौन सी लेन खिलाफ पर कारगर साबित हो सकती है उसको समझना बहुत जरूरी है। शॉट इस बार रूम बनाकर खेला और डीप कवर के ऊपर से मिस जजमेंट, हालांकि गेंद बाउंड्री के बाहर तो नहीं गई लेकिन यहां पर एक तरह से जीवन दान भी कहा जा सकता है, हालांकि आउटफील्ड में उतना आसान भी नहीं है उस दिशा में फील्डिंग करना, नीचे की तरफ है आउटफील्ड उस वजह से फील्डर थोड़े आगे भी पहले ही खड़े हैं एक रन उस गेंद पर। इस बार राहुल ने हुक लगाने की कोशिश की, अपील और ये वाइड का इशारा, अपील और टाइगर तो बहुत ही आश्वस्त नजर आ रहे थे लेकिन वाइड गेम का इशारा, अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 24, राहुल भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो लंबे हिट्स लगा सकते हैं, अब चाहिए 15 रन और ये लंबा हिट क्या बाउंड्री के बाहर जाएगा, जी नहीं, कैच और बढ़िया कैच वहां पर फील्डर ने समाप्त किया, राहुल के पारी का अंत होता हुआ। शॉर्ट गेंद पर विकेट, यहां पर शॉर्ट गेंदों पर चौके छक्के लग रहे थे लेकिन इस शॉर्ट पिच गेंद पर विकेट, 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 15 रनों की और जरूरत, 8 गेंदे शेष। अब दबाव देखा जाए तो अभी भी दोनों टीमों पर दबाव, ऋतिक बढ़िया बॉलिंग करते हुए इस बार शॉर्ट गेंद उसको सामने खेला लॉन्ग ऑन पर फील्डर लेकिन कैच के लिए नहीं दौड़े राम ठाकरे, अभी फील्डर अच्छी तरह से जानते हैं कि आउटफील्ड में क्या है और क्या नहीं है, कहां पर दौड़ना है कहां पर नहीं है, आसान उतना होता भी नहीं है ये रेनी क्रिकेट, बारिश के मौसम में क्रिकेट। फिर से शॉट गेंद, फिर से अपने आप को रूम देकर खेला, मैं विकेट की तरफ 2 रन लेना चाहते हैं और मिलेंगे यहां पर 2 रन, तीसरे के लिए निकले आगे और बाल बाल बच गए वक्त पर पीछे लौटे, तो 2 रन इस गेंद पर भी, ओवर की समाप्ति 2 ओवर्स के बाद 28, 3 विकेटों के नुकसान पर खानिवली का अपने के लिए चाहिए 11 रन। जब शेखर ने शुरुआत की थी पहली 3 गेंदों पर 16 रन जब बने थे ऐसे लग रहा था कि शायद खानिवली टीम 2 ओवर्स में ही लक्ष्य हासिल कर लेगी लेकिन बढ़िया वापसी की है कोशिंबी टीम ने, 6 गेंदे और 11 रन चाहिए। ये मिस टाइम शॉट काउ कॉर्नर की दिशा में, फील्डर 4-4 खिलाड़ी दौड़े जरूर लेकिन कोई भी नहीं पहुंच पाया, 2 रन, एक एक रन महत्वपूर्ण है लड़ाई एक एक रन के लिए एक एक गेंद के लिए, 5 में 9 की जरूरत, फील्ड प्लेसमेंट भी अब यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट है, इस तरह से फील्ड सजाते हैं। फिर से शॉट और फिर से गेंद हवा में है, फील्डर वहां पर कैच छूटा, कैच छूटा और फिर से 2 रन, मौके जरूर आ रहे हैं कोशिंबी टीम के लिए लेकिन इस तरह से मौके गवाते रहेंगे तो फिर मैच हाथ से निकल सकता है।
32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। एक अच्छी पार्टनरशिप यहां पर बनाते हुए ये दो खिलाड़ी इस बार बेहतरीन टाइमिंग, शानदार पुल और सक्सेसफुल 6 रन। स्कोर्स लेवल एक बड़े स्ट्रोक की दरकार थी खनिवली टीम को और वही बड़ा स्ट्रोक सचिन के बैट से। राम ठाकरे लगातार शॉर्ट गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रेडिक्टेबल हो गए और अब फ्लाइटेड गेंद, ये विजयी रन। तो 7 विकेटों से ये मुकाबला जीत लिया है खनिवली टीम ने। अभिनंदन खनिवली टीम एंड हार्ड लक कोशिंबी।